हम गोल तो सेट कर लेते हैं, लेकिन उन गोल्स को कब रिव्यू करें ताकि हम अपने आप को ट्रैक पे है या नहीं है ये चेक कर सकते हैं। और अगर हम उन्हें रिव्यू नहीं करेंगे तो पता नहीं कब कौन सा गोल हमारे हाथ से बाहर चला जाएगा। तो चलिए इस गुत्थी को आज सॉल्व कर देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है समय नहीं है, जिसमें 100 अलग अलग सवालों के जवाब दिए गए हैं। उस किताब में एक सवाल ऐसा भी था जहां पर आप आपके स्मार्ट गोल कैसे सेट करते हैं, लेकिन उसका अगला सवाल मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ कि एक बार गोल सेट तो कर लेते हैं, लेकिन उसे रिव्यू कब करेंगे ताकि हम हमारे आउटपुट को, हमारे गोल्स पे हम ट्रैक पर है या नहीं है उसे चेक कर सके। एक बार अगर आपकी ये हैबिट हो जाएगी कि आप बार बार गोल्स को ट्रैक करते रहेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारी सक्सेसफुल लाइफ की डेफिनेशन है वो पूरी हो जाएगी। आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? सक्सेस को डिफाइन करने का सबसे सिंपल तरीका है आपके गोल्स, और उन गोल्स तक आप चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे हो, अगर वो आप चेक करते रहे तो आप सक्सेसफुल हैं। मेरा ये मानना है कि हम हर हफ्ते सक्सेसफुल हो सकते हैं। कैसे? तो हर हफ्ते हमें एक हैबिट लगानी है हमारे गोल्स को रिव्यू करने की। लेकिन अगर उन्हें रिव्यू करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? सबसे पहला स्टेप आएगा आपके गोल को सेट करना। आपने डेफिनेटली आपका गोल सेट किया है, बस अब आप वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे उसको हम ट्रैक पर रखें, कैसे हम बार बार उसको रिव्यू करें। अगर आप रोजाना आपके गोल को रिव्यू कर रहे हैं तो क्या होने वाला है? एक प्रेशर सिस्टम आ जाएगा कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। जैसे मैंने एक क्लाइंट ने एक गोल सेट किया था जो मंथली बेसिस पे था कि हर महीने इतना करना है। मैंने कहा कि हर महीने अगर आप उस गोल को अचीव नहीं करोगे तो एक प्रेशर फील होगा, तो क्यों ना उसे एक साल का गोल सेट करते हैं। तो उस एक महीने का अगर गोल था 1 लाख, तो साल का हो गया 1 करोड़ 20 लाख। अब पूरे साल में 1 करोड़ 20 लाख का टर्नओवर करना है, डुएबल है। हम अगर किसी एक महीने में कम भी करते हैं तो अगले महीने में ज्यादा कर सकते हैं। उसी का अपोजिट साइड करके देखिए, हर महीने 1 लाख करना है, और जिस महीने 1 लाख नहीं होगा उसका पूरा का पूरा इफेक्ट अगले महीने में जाएगा, उसमें भी 1 लाख नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं और उसके बाद उसे एवरी मंथ चेक करते रहते हैं कि कहां पर पहुंचे, क्या पहुंचे। रिव्यू करने का सबसे पहला और सिंपल तरीका है आप आपके गोल को आपके सामने एक पेपर शीट बना करके लगा लीजिए। आपके सामने आपका गोल होना चाहिए, उसे आपके कोड वर्ड में लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि ये मैं मेरे क्लाइंट्स के साथ जो भी विजिट कर रहे हैं उनके साथ शेयर नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, इट्स ऑल राइट। आपको सिर्फ उसे आपके कोड वर्ड में लिखना है। इजी, डुएबल, आसानी से आप आपके गोल्स को रिव्यू कर सकते हैं और एक मोटिवेशन फील होता रहेगा। आप इमेजिन करिए सिचुएशन को जहां पर आपके गोल आपको दिख रहे हैं और वो जो फिगर है वो बढ़ता जा रहा है। एक आपने पेन से लिखा है जो चेंज नहीं करना है, और एक आपने पेंसिल से लिखा है जो आप हर महीने उसको मिटाते हैं, कुछ नया लिखते हैं, और वो हर महीने बढ़ेगा ही। भले ही आपने 10 लाख किया हो, 5 लाख किया हो, 3 लाख किया हो या 15 लाख किया हो, वो फिगर बढ़ेगा ही। तो आप सोचिए वो जो छोटा सा मोटिवेशन है वो कितना कारगर आपको साबित होगा। तो सबसे पहला स्टेप, आप आपके गोल को आपके आंखों के सामने लेकर के आते हैं ताकि आप उसे रोजाना देख करके एक मोटिवेशन फील करते हैं। और उसके बाद आप मंथली एक दिन फिक्स कर लीजिए, जैसे 4th मंडे और 1st मंडे, कैन बी एनी वन डे ऑफ अ मंथ, आप फिक्स कर लीजिए। और उस एक दिन आपको सिर्फ चेक करना है कि जो 10 लाख होना था वो हुआ या नहीं हुआ। 10 लाख नहीं हुआ, 8 लाख ही हुआ है, 2 लाख कम हुआ है, लेट्स वर्क हार्ड फॉर दिस मंथ एंड अचीव 12 लाख। आप अगर वो एक ही महीने में 15-20 लाख कवर करने जाएंगे तो शायद ना हो, लेकिन 10 के 12 अचीव करने का हार्ड वर्क आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आप आपके वर्किंग आवर्स में वो फोकस को फील करेंगे जो आपको आगे लेकर के जाएगा। लेकिन यहां पर 3 चीजों का आपको खास ध्यान रखना है। सबसे पहले
आप जैसे ही किसी गोल को अचीव कर लेते हैं, कोई एक बेंचमार्क को अचीव कर लेते हैं, उसे सेलिब्रेट कीजिए ताकि आपका वो सेलिब्रेशन आपके इर्द गिर्द, आपके सराउंडिंग, उन सभी जगहों पर पहुंच जाए जो आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, आप चाहते हैं। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, आप क्वार्टरली रीसेट करने के बारे में सोच सकते हैं कि क्वार्टरली अगर हमने कुछ अच्छा कर लिया है तो उस गोल को 1.2 से 1.5 करोड़ तक ले जाते हैं और 1.2 से 1.1 करोड़ तक ले जाते हैं ताकि आने वाले 9 महीने आप फोकसली काम कर सके। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना होगा, आपको चेक करना होगा, आपको समझना होगा कि आप अपने आप के साथ जो भी बात कर रहे हो वो सच कर रहे हो। किसी और को खुश करने के लिए हम हमारे गोल सेट नहीं कर रहे हैं, उसे रिव्यू नहीं कर रहे हैं। अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। अगर इन चीजों को हम कर लेते हैं, मंथली वंस हमारे गोल को रिव्यू कर लेते हैं, तो डेफिनेटली जो सक्सेस वाली डेफिनेशन है वो आपके साथ रहेगी। अगर आपको लगता है कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए मददगार साबित होने वाला है तो आप इसे लाइक जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। किसी एक फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करके उन्हें भी उनके गोल को रिव्यू करने की हैबिट लगानी है तो शेयर पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे साथ जुड़ने का फैसला नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके साथ रहना हमें पसंद है। थैंक यू वेरी मच। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। हमारी टैगलाइन है, मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।